ओके तो कल की क्लास में हम लोग ने क्या क्या देखा था? कमांड लाइन आर्गुमेंट्स और सिस्टम डॉट एग्जिट। ठीक है, दोनों समझ में आ गया था। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स पता होगा क्या क्या होता है? क्या होता है कंस्ट्रक्टर्स बताओ, पता किसी को? नहीं पता है? चलो देखते हैं क्या होता है कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। ठीक है, जावा में हम लोग कंस्ट्रक्टर्स पढ़ेंगे, और जैसा सी और सी प्लस प्लस में रहता है लगभग लगभग वैसा ही होता है यहाँ पे भी। ठीक है, अब देखो, इन जावा कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड इट इज कॉल्ड व्हेन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। ठीक है, जावा में कंस्ट्रक्टर जो होता है एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जैसा कि मेथड हम लोग डिक्लेयर करते हैं वैसा ही यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, जैसे हम लोग जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग लिखते हैं जैसे क्लास नेम है, उसके बाद ऐसे साइड में ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो साथ में कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर मेमोरी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अलोकेटेड इन द मेमोरी। ठीक है, देखो सिंपल सी बात यह है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ में आता है। ठीक है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज़ यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज़ यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी मेंबर फंक्शंस होंगे, ठीक है, कौन कौन से मेंबर फंक्शन हो सकते हैं? जैसे कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि हमने एक जो बनाया था, ठीक है, एक स्टूडेंट नाम का हमने क्लास बनाया था, याद है? ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे? इसके मेंबर वेरिएबल होंगे। ठीक है, इस मेंबर वेरिएबल की भी कोई डिफॉल्ट वैल्यू होगी, कोई ना कोई वैल्यूज़ इसमें हम लोग क्या करते हैं, असाइन करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू को वो क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। यहाँ पे हम लोग कैसे इनिशियलाइज कर रहे थे? सेट रोल नंबर वगैरह मेथड से कर रहे थे। ठीक है, अगर हम लोग इसको कॉल नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनता है इसका, ये वाला जो ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हम लोग लिखें स्टूडेंट और इस टाइप का ब्रैकेट लगाएं। ठीक है, ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, ये होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इस मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने का काम करता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ, किसको नहीं आया? ऐश्वर्या। ठीक है, देखो ये वाला प्रोग्राम समझ में आया था ना, स्टूडेंट वाला? ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि ये जो इसके मेंबर वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इसको कैसे इनिशियलाइज किए थे हम लोग? मेथड के थ्रू। ठीक है, सेट रोल नंबर से हम लोग इसको इनिशियलाइज कर रहे थे, याद है कि नहीं याद है? ठीक है, ये देखो यहाँ पे इस टाइप से हम लोग इनिशियलाइज किए थे। ठीक है, सेट रोल नंबर से यहाँ वैल्यू दिए थे। ठीक है, सेट एज, इस टाइप से हम लोग सबके लिए अलग अलग मेथड बनाए थे, इससे इनिशियलाइज कर रहे थे। ठीक है,
अब यही काम हम लोग किससे कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर से भी कर सकते हैं। यही काम हम लोग किससे कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर से भी कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का यूज़ कहाँ होता है, हम लोग को इस मेंबर वेरिएबल को अगर इनिशलाइज करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का काम ही होता है कि वो अपने मेंबर वेरिएबल्स को उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से या यूज़र डिफाइंड वैल्यू से उसको इनिशलाइज करता है। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज़ यूज्ड टू इनिशलाइज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। जब भी हम लोग ये न्यू कीवर्ड लिखते हैं, ये वाला, ठीक है, इसके साथ में कंस्ट्रक्टर कॉल करना ज़रूरी होता है। ये हमेशा क्या करेगा, कोई ना, या तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दोनों में से किसी एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा ही करेगा, और जो भी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से उसको इनिशलाइज करेगा। क्लियर है? ठीक है, इट कॉल्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ देर इज नो कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन द क्लास। इन सच केस जावा कंपाइलर प्रोवाइड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर किसी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया गया है तो वहाँ पे जावा कंपाइलर क्या करता है, अपने से बाय डिफॉल्ट वहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पुट कर देता है। ठीक है, अब अगर इसी स्टूडेंट क्लास की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग कहीं पे भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए हैं। कहीं पे भी कंस्ट्रक्टर बनाए हैं क्या हम लोग? नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो उस केस पे क्या होगा, ये इसके अंदर पहले से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना हुआ है लेकिन वो दिख नहीं रहा है हमको। ठीक है, वो क्या है, दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये जावा कंपाइलर क्या करता है, अपनी तरफ से वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है। ठीक है, क्यों करता है ऐड, क्योंकि इसको डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशलाइज करता है वो। ठीक है, क्योंकि जब भी न्यू कीवर्ड एग्जीक्यूट होता है तो साथ में वो कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करता है, चाहे वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो या फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, दोनों में से कोई एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशलाइज करेगा। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इन जावा, नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट और नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, कौन कौन से, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब देखो इसके कुछ रूल्स होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं जावा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? सभी को समझ में आया? ठीक है, अगर नहीं, पहले सी प्लस प्लस में नहीं भी समझे होगे तो समझ जाओगे। ठीक है, अरे तो अभी आग पढ़ो तो पहले, उसके बाद तो प्रोग्राम बनाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट को तो जानो महाराज। ठीक है, हड़बड़ी मत करो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सब सीखोगे। इतना समझ में आया कि नहीं, क्या समझे अभी? कंस्ट्रक्टर जो है मेंबर वेरिएबल्स उसको इनिशलाइज करने का काम करता है। ठीक है, आया समझ में? इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करता है। क्लियर, ये बस लाइन याद रखना अच्छे से। ठीक है, अगर वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या बोलोगे, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज़ यूज टू इनिशलाइज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर, आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग।
ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, ये रूल्स याद रखना तभी हम लोग अच्छे से कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला रूल, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज इट्स क्लास नेम। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नेम जो होगा क्लास नेम जैसा ही होगा, ठीक है। ठीक है, रूल नंबर टू, ए कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के साथ कभी भी रिटर्न टाइप नहीं लगता है, ठीक है, वॉइड नहीं लगेगा, इंट नहीं लगेगा, स्ट्रिंग नहीं लगेगा, फ्लोट नहीं लगेगा, डबल नहीं लगेगा, कोई भी रिटर्न टाइप उसके साथ नहीं लगता है। क्लियर? ठीक है, रूल नंबर थ्री, ये जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल एंड सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी, ठीक है, ठीक है, जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल एंड सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, जावा कंस्ट्रक्टर कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता, कभी भी फाइनल नहीं हो सकता, और कभी भी सिंक्रोनाइज्ड नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ये जो सारे की वर्ड्स है वो अप्लाई नहीं होते। आया समझ में? क्या रूल समझ में आया? कि जो कंस्ट्रक्टर होगा वो, उसका नेम जो रहेगा वो क्लास नेम जैसा होगा, ठीक है, उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, और कभी भी वो एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल और सिंक्रोनाइज नहीं होगा। ठीक है, जब भी अगर कंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन आता है तो ये रूल जरूर से लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल लिखना ही लिखना है। ठीक है, रूल अगर लिख लोगे कॉपी में तो चेक करने वाले को समझ में आ जाएगा, हाँ इसको आता है कंस्ट्रक्टर करके। ठीक है, जब रूल पता है मतलब कंस्ट्रक्टर जानता है पूरा। ठीक, ठीक है, अब आते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे देखो एक नोट है, वी कैन यूज एक्सेस मॉडिफायर वाइल डिक्लेयरिंग कंस्ट्रक्टर, इट कंट्रोल्स द ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इन अदर वर्ड्स वी हैव प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन जावा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्टर के साथ में। जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे तो वहाँ पे हम लोग पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स में। ठीक है, दो टाइप के हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, कौन कौन से? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसको हम लोग नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट्स पास नहीं किए जाएंगे। ठीक है, सेकंड होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर कोई ना कोई आर्गुमेंट पास करना हमारे पास जरूरी है। ठीक है, अगर किसी कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं तो वो कौन सा होगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, आर्गुमेंट को ही पैरामीटर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर? नहीं, जावा में कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होता, लेकिन हम लोग बना सकते हैं उसको। ठीक है, तो जावा में सिर्फ दो ही टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन इट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर। ठीक है, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं पास किया गया, उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर? इसका सिंटेक्स देखो, क्लास नेम हम लोग लिखेंगे, उसके बाद इस टाइप का फंक्शन ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे जो उसका ब्लॉक है वो लगाएंगे, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, जैसा एग्जांपल यहाँ पे देखो, ठीक है, क्लास है बाइक, क्या है? बाइक। ठीक है, बाइक वन यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, ये क्लास का नेम है। ठीक है, इसके अंदर में बाइक वन नाम का हमने क्या बनाया है? कंस्ट्रक्टर बनाया है। सेम वैसे ही नाम रहेगा जो क्लास नेम रहेगा, अगर अलग नाम रख दोगे तो फंक्शन जैसे ट्रीट करेगा या फिर मेथड जैसा जैसा ट्रीट करेगा। ठीक है, और वहाँ पे एरर थ्रो कर देगा नाम चेंज कर दोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बनाए कंस्ट्रक्टर, ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे कोई भी
पैरामीटर पास नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन बाई किस क्रिएटेड, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इस टाइप का एक प्रोग्राम बनाए, ठीक है। चलो ऐसे ही हम लोग एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं अपन। स्क्रीन दिख रही ना सबको कि नहीं दिख रही? मैं लिखता हूँ क्लास बाइक, ठीक है। बना सकते हैं ऐसा कि नहीं बना सकते? ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको हम लोग बाइक डॉट जावा नाम से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देते हैं, ठीक है, हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, सेम वैसे ही हम लोग लिखेंगे बाइक, और इस टाइप को ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, और इसके अंदर डबल कोट्स में लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज्ड, ठीक है। और इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एक और मैसेज प्रिंट कर देते हैं स्क्रीन पे, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ठीक। अब क्या करते हैं अपन, मेन मेन मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बाइक का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, क्या लिखेंगे, बाइक B1 इक्वल टू क्या लिखते हैं आगे बताओ गुलशन, न्यू बाइक, और इस टाइप का ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, बाइक B1 इक्वल टू न्यू बाइक, ये किसको कॉल किया है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, ये दिख रहा है सेम वैसे ही है, ये किसको कॉल किया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं चलता हूँ कमांड में, कमांड में आ गए हम लोग, ठीक है, CD बैक स्लैश, ठीक है, उसके बाद ई ड्राइव में चले गए। कमांड के कमांड्स आते हैं कि नहीं, जावा CD जावा BCA3, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे जावा सी बाइक डॉट जावा, फाइल को कंपाइल करेंगे, ठीक है, कंपाइल हो गया, फिर क्या लिखेंगे, जावा बाइक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज्ड, ठीक है, किसी कुछ डाउट समझ में आया?
कहीं पे भी हम लोग उसको अलग से कॉल नहीं किए, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी समय ये कॉल होता है। आया समझ में? अगर न्यू हम लोग लिखे तो हम लोग को ये लिखना ज़रूरी है। अगर मान लो मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है, और यहाँ वापस से कंपाइल करता हूँ, देखना क्या बताएगा। क्या बताया? एरर, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, ठीक है। कौन सा आइडेंटिफायर चाहिए उसको? उसको कंस्ट्रक्टर चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया पक्का? ठीक है, इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे। चलो, गुलशन बोल दिया तो हम लोग और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। 5 बार ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। तो 5 बार कॉल होगा। B2, यहाँ कर लेते हैं, 3, 4, यहाँ करते हैं 5, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो देखो, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे एक लाइन लाइन हम लोग खींच देते हैं, तो उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5, ठीक है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट में ले लो और प्रोग्राम को भी ले लो। ठीक है, इस प्रोग्राम को भी ले लो स्क्रीनशॉट। रिजल्ट रास्ते में आएगा। अभी तो दिए हो क्या एग्ज़ाम? कितना दिन हुआ है? ये प्लस हम लोग इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। स्ट्रिंग वैल्यू के साथ में हम लोग यहाँ इंटीजर वैल्यू को क्या कर रहे हैं? अपेंड कर रहे हैं, ठीक है, या कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग का जब समझोगे ना, स्ट्रिंग का जब टॉपिक आएगा तो उस समय समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। ये डबल कोट्स में जो लिखते हैं वो स्ट्रिंग होता है, पता है? पता है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस प्लस के साथ में इस दो अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि जावा एक ही चीज़ समझता है, स्ट्रिंग। हर चीज़ उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में चाहिए होती है, ठीक है। ये प्लस से क्या होगा, वो कॉन्केटिनेट कर देगा इस इंटीजर वैल्यू को इस स्ट्रिंग वैल्यू के साथ में। अगर जैसे मान के चलो प्लस नहीं लिखते हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा देखना। क्या आया? एरर, नॉट ए स्टेटमेंट, ठीक है। क्योंकि ये स्टेटमेंट अलग समझ रहा है, ये एक स्टेटमेंट अलग समझ रहा है, ठीक है। उसको स्ट्रिंग स्टेटमेंट जैसा
नहीं ट्रीट करता, हम लोग यहाँ पे कॉन्केटेनेट कर देते हैं उसको, दोनों का ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो उसके साथ में ही वो क्या करेगा, मर्ज कर देगा, ठीक है। एंड उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, क्या बोलते हैं, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, ठीक है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, हर प्रोग्राम में यूज़ होगा, ठीक है।